ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या चाय वाला फिर से प्रधानमंत्री बनेगा देश का या चाय पीने वाला बनेगा, इसी पे चर्चा है हमारा। राहुल बेहतर मोदी बेहतर, कौन नजर? मोदी 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 में क्या है ऐसा? राहुल बोल रहे हैं हम यंग हैं, हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, गरीब के लिए न्यूनतम रोजगार का नहीं न्यूनतम पैसा देंगे। यंग 50 साल का थोड़ी होता है, यंग तो 65 साल का भी हो सकता है। अच्छा, राहुल का ब्याह नहीं हुआ तो तंज कस रहे हैं। आपके नजर में बेहतर कौन है? मोदी। अच्छा, इस बार जो उतरेगा कैंडिडेट को देख के देखिएगा, पार्टी देखिएगा, मुद्दा देखिएगा, या सिर्फ मोदी और कांग्रेस को देखिएगा? मैटर तो मोदी भी करते हैं और उनका उम्मीदवार भी करता है, और उम्मीदवार मैटर करता है तो मोदी के साथ साथ, क्योंकि वो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है और मिनिस्टर डजंट मैटर, प्राइम मिनिस्टर मतलब नहीं रखता। देश को कौन बेहतर समझ रहा है, मोदी राहुल गांधी कौन? मोदी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाए थे लेकिन राफेल में अपने पैसा खा गए, चौकीदार चोर का नारा चला गया, महिलाओं का आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है। तो राहुल आज तक उसको साबित भी नहीं कर पाए, तो कहाँ से साबित करेंगे? वो थोड़ी जांच एजेंसी है कोई, तो आप साबित कर दो। ये तो पाकिस्तान नहीं है ना, कि यहाँ पर प्रेस को कुछ हक नहीं है, बोलने का लिखने का हक नहीं है। यहाँ पर में भी आजादी है प्रेस को? उतना नहीं है जितना हिंदुस्तान में। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को साबित करना चाहिए कुछ, वो विपक्ष पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देख रही है इसको। अच्छा, उसके जो डिसीजन होगा उसको सबको मानना पड़ेगा। अच्छा। हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अच्छा, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जैसे 15 लाख तो ये नहीं दिए हम, जो जो बेरोजगार होगा भारत में उन सभी को न्यूनतम पे देंगे, कम से कम जो एक, अब वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, जब उनका मैनिफेस्टो आएगा देखेंगे क्या बोल रहे हैं वो, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या हो रहा है। तो अभी फिलहाल नजर में आप लोग कुछ सोचा नहीं है कि किसको वोट दें? मोदी जी ठीक है, बाकी मैनिफेस्टो देखेंगे। अच्छा, मैनिफेस्टो देखेंगे। देखिए इस तरीके का बात है, लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, मैनिफेस्टो भी देखेंगे मोदी जी का क्या क्या। और आपके लिए सिर्फ मोदी जी ही मायने रखते हैं मुद्दा? हमारे लिए सबसे पहले मोदी जी, उसके बाद राहुल से। इतना मतलब आपको घृणा क्यों है? हमें तो राहुल पूरा हक नहीं चुहाता। नौजवान के साथ आए हैं, हालांकि चुनाव में 60 साल का भी उम्मीदवार अपने आप को कर्मठ युवा उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहा है। युवाओं के दिल में क्या है, क्या मोदी या राहुल गांधी या फिर रामटहल या सुबोध कांसा है? आप लोग वोट जब करते हैं तो इस बार चेहरा किसका सामने रहेगा, कि मोदी को जिताना है, राहुल को जिताना है, या यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार भी देखिएगा? हम लोगों का पहला पसंद तो मोदी साहब है, उसके बाद देखा जाएगा। वो जो भी अभी तक जो भी काम किए हम लोगों को पसंद आया, बहुत सारी योजना जो उनकी बहुत सारी योजना चल रहे हैं जिससे हम लोग संतुष्ट हैं, और हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही वापस आए। लोकसभा में तो उनको लेकर आएंगे, विधानसभा की बात बाद में करेंगे। ठीक है, लोकसभा में कौन चेहरा होगा, रामटहल का चेहरा देखिएगा या मोदी का चेहरा देखिएगा, किस मुद्दे पे वोट होगा? मोदी 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 मोदी। आप लोग के ऐसा मोदी में क्या है जो युवा बहुत ज्यादा क्रेज कर रहे हैं, उनका तो उम्र हो गया। काम देखिए, काम अच्छा लगा, कौन सा काम आपको? बहुत सारा काम। कौन सा? जैसे किसानों को लेकर के देखिए, आपका किसान गरीबी लोग का जो आयुष्मान भारत 5 लाख तक बीमा कर दिया 1 साल में प्रति वर्ष, वो देखिए आप। आपका महिला लोग के लिए देखिए उज्ज्वला योजना। अच्छा, राहुल और मोदी एक साथ खड़ा होंगे तो आप लोगों को क्या डिफरेंस मतलब समझ में आता है? उसको तो बात ही करने पहले नहीं आता है। अच्छा, जब वो देश का वो आतंकवादी का सपोर्ट है, सीधा बात है, वो पाकिस्तान का गुनगाता है, इंडिया में रह के वो बेकार है। जो आतंकवादी को जी बोल सकता है और प्रधानमंत्री को तुम तड़ाक कर सकता है, उसे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, इसलिए राहुल आप लोग की नजरों से गिरे हुए हैं? नहीं जी, बिल्कुल धरातल से देखा जाएगा। सर जी मोदी जी जो काम कर चुके हैं, काम करते हैं, अब उससे सवाल करते हैं सबूत लाओ, तो क्या सेना वहाँ पे गिनने पे लगे रहेगा कि वो अपना काम करके टास्क पूरा करके वापस आएगा? अच्छा, ऐसे आप देखिएगा जो 5 साल में जो काम हुआ है वो कांग्रेस सरकार में उतने सालों में नहीं हो पाया। हम लोग धरातल पर देखने के बाद ही वोट देंगे। और अभी सबसे पहले बताना चाहेंगे कि मोदी जो भी काम किए हैं हम लोग सारे संतुष्ट हैं, और हम लोग के नजर में वही सबसे बेहतर है, तो हम लोग चाहेंगे कि वही फिर से आए दोबारा। पहले दिल्ली में 1 रुपया जब फंड आता था तो 15 पैसा गांव तक पहुंचता था, और अभी कहीं 2000 भेजते हैं तो सबका अकाउंट में आता है 2000।
बिचौलियों का दूर किया गया है पूरी तरह से, ये सबसे बड़ी अच्छी काम हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि युवा सिर्फ मोदी के अच्छे भाषणों को सुनकर कह रहे हैं कि हम उनके तरफ आकर्षित है, कह रहे हैं राहुल देखने में भले ही स्मार्ट कौन है दोनों में, ऐसा तो नहीं स्मार्ट स्मार्ट मायने में देश को जो अच्छी जगह मुकाम पे ले जाए उसको हम लोग देखेंगे ना, स्मार्ट कोई थी नहीं है ना। तो देख लीजिए अभी राहुल जी यहाँ फ्लॉप हो गए, इनकी नजर में मोदी जी अभी हिट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने जो काम की और जो डीबीटी योजना का शुरुआत ही लोग कर रहे हैं कि अकाउंट में आ रहा है पैसा वो ज्यादा अच्छा है। कुछ और लोगों से पूछते हैं कि मोदी का चेहरा होगा, स्थानीय मुद्दा होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा या स्थानीय जो प्रतिनिधि होंगे उनका चेहरा देखेंगे, तो वोटिंग कीजिएगा, क्या दिमाग में रहेगा, मुद्दा, स्थानीय चेहरा या सिर्फ मोदी और राहुल? मोदी, सिर्फ मोदी और कोई मुद्दा नहीं। आप किसको वोट कर रहे हैं? मैं? किसको वोट दे रहे हैं इस बार? इस तो बोला नहीं जाता है। अच्छा, तो लेकिन आप सोचे होंगे ना कि बढ़िया कौन है, मोदी है, राहुल है या मोदी? मोदी, यहाँ का कोई भी खड़ा हो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रामटहल जी का इस बार भी बेरा पार लगता दिख रहा है, पार्क में मेरा चेहरा मत दिखाओ, पब्लिक देख देख के थक गया है थोड़ा। कुछ फेसबुक में खोल के देखिएगा, इंस्टाग्राम में खोल के देखिएगा, हाँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है ना, उसमें राहुल गांधी के बारे में सिर्फ चुटकुला ही नजर आएगा। अच्छा, ठीक है, राहुल गांधी का क्रेज कम हो रहा है लोगों और युवाओं में। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा ही इस बार वोट करने जा रहे हैं राजनीति में, हर कोई वोट करेगा, इसीलिए हर आदमी से ये जानना बेहतर जरूरी होगा कि उनकी पसंद में क्या कुछ है, क्या मुद्दा है दिमाग में या सिर्फ मोदी और राहुल का नारा है। आप लोग इस बार वोट करेंगे तो क्या सोचेंगे? वोट करेंगे, जरूर करेंगे। तो कुछ सोच के उम्मीदवार को देखिएगा या सिर्फ मोदी और राहुल का चेहरा देखिएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं, स्वच्छ छवि जिसका होगा उसी को देखेंगे। उम्मीदवार देखिएगा, पार्टी मायने रख? जी नहीं, पार्टी मायने नहीं रख। आपके लिए बस जो बोल दिया मैं वही कार्यकर्ता जो देंगे, जो काम करेगा अच्छा, जो वादा करेगा निभाएगा भी। अच्छा, मोदी जी क्या किए 5 साल, इनका अगर 10 में देना पड़े मार्क्स तो कितना देंगे? 10 में कितना देंगे? हम तो मोदी का सपोर्टर है तो हम तो 10 में 10 दे देंगे। अच्छा, मोदी के सपोर्टर हैं तो फिर कह रहे हैं कि हम इस बार काम देखेंगे। काम तो मोदी कर ही रहे हैं, तो सबको मालूम है काम कर ही रहे हैं वो। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आपके नजर में? मेरे नजर में भी मोदी सपोर्टर हैं, हम तो डायरेक्ट मोदी को काम कर रहे हैं इसलिए देंगे सीधा बात। मोदी काम कर रहे हैं। आप किसको वोट दीजिएगा? हम तो वोट देंगे नीच के तहत। हाँ, नीच के तहत? नीच के तहत मतलब नीच 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 कैंडिडेट के ऊपर जो डिपेंड करता है कार्य कौन कैसा करेगा, जो सबसे कम खर्चा करेगा उसको। अरे खर्चा रहे, जो कार्य कौन कैसा करेगा। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा? पहले तो जिताइएगा तब तो वो काम करेगा। नहीं, अभी से नहीं पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है। मोदी जी कैसा कर रहे हैं? मोदी जी तो हम नहीं ठीक कर रहे हैं। मोदी जी आपको ठीक नहीं लगे? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसमें दम लग रहा है? हाँ, उसमें दम लग रहा है, राहुल गांधी में दम है। आपको किसको विश्वास जग रहा है? किसको बोलिएगा सर, आज के डेट में सबके सब वही हैं, जो काम करके दिए वो अच्छा है, जो काम करके नहीं दिए वो बेकार। ये कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम नहीं किया। आपकी नजर में 5 साल में 10 में कितना मार्क्स? किसमें 10 में कितना मार्क्स दीजिएगा मोदी जी को? मोदी जी को क्या, बीजेपी को दीजिएगा कि मोदी जी को दीजिएगा? आप वो सोच लीजिए। बोले तो मोदी जी को दीजिएगा तो 10 में 10 दे दीजिए। और बीजेपी को देना हो तो? बीजेपी को देना हो तो 10 में 9 देंगे। 10 में 9 दीजिएगा मोदी जी का। आप लोग क्या सोच के इस बार वोट दीजिए, मुद्दा की कुछ और? आइए आप लोग इधर आइए, सब कोई आइए। क्या सोच के चले हैं? कांग्रेस को देख के वोट कीजिएगा, बीजेपी को देख के वोट कीजिएगा, किसी और दल को वोट कीजिएगा, या जो मुद्दा अच्छा अच्छा उठाएगा वो करेगा? जो मुद्दा अच्छा उठाएगा। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस तो 10 साल कर चुका है, 15 साल उसको तो देख लिए हैं, अब फिर उसको मौका देंगे पता नहीं फिर क्या करेगा कि नहीं करेगा। एक बार तो धोखा दे चुका है। धोखा दे चुका है कांग्रेस? कांग्रेस तो धोखा दे चुका है। मोदी जी कैसे जो भी है बीजेपी किया, बाकी अभी भी उसके चक्कर में आदमी पड़े हुए, आदमी एक से एक पड़े हुए हैं। कांग्रेस तो 15 साल तो किया, एक नहीं उसको कई बार मौका मिला गया।
तो वो अच्छा काम नहीं करता, काम कांग्रेस का काम करता, महंगाई अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये मोदी जी क्यों नहीं पहुँचाए, आप बोल रहे हैं कांग्रेस को जिम्मेदार, कांग्रेस इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस 15 साल वहाँ पर कर चुका है। अच्छा ठीक है, आप लोग मैडम राहुल गांधी बोल रहे हैं 5 साल में अभी सोचा नहीं, राहुल को चाहे मोदी को, नहीं हम तो ऑब्वियस मोदी को ही वोट देंगे। क्यों, वो तो कह रहे 5 साल में रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन बिल नहीं लाए मोदी, हम आएंगे तो लाएंगे, पहले बाहरी दुश्मन को तो देखे ना कम से कम। अच्छा भूखे रहेंगे पहले बाहरी दुश्मन को देखे, वो तो देखा ना आपके लिए वो मुद्दा होगा, अभी कुछ सोचे नहीं है, अभी नहीं सोचे। देखिए ये महिलाओं के लिए भी ऐसा है कि वो कह रही है कि ऐसा नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ या किसी दूसरे देश के खिलाफ मोदी का जो तरीका है उसको कह रहे कि उसको पसंद है उनको, वो कह रहे कि हम पहले बाहरी दुश्मन को देखेंगे उसके बाद, इसलिए मोदी को एक चांस मिलेगा। आप भी निर्णय कर लीजिए कि क्या ये सिर्फ जो रण होगा इसमें मोदी और राहुल का चेहरा होगा, मुद्दों का बात होगा, या फिर स्थानीय उम्मीदवार होगा। आज का कार्यक्रम हम कर देते हैं खत्म, सबको कहते हैं बाय बाय। पांडे जी कहीं के प्रायोजक प्रेस्टीज टीएमटी।